हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रमिला। प्रमिला की रेसिपी में फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ठंडी ठंडी कूल कूल रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीजन की हम ठंडी रेसिपी को फ्रेंड्स। हैप्पी नवरात्रि फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विदाउट शुगर मैंगो शेक की रेसिपी फ्रेंड्स, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्थफुल है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हमने व्हाइट शुगर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, जिसको आप कभी भी जब भी आपका मन करे कभी भी इसको बनाकर पी लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नवरात्रि की इस फर्स्ट रेसिपी के साथ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमने मैंगो को छील लिया है और इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। यहाँ पर हमने 2 बड़े वाले मैंगो लिए हैं फ्रेंड्स, तो ये इसमें हमने जार में डाल दिया है। क्रश की आई इसमें इलायची पाउडर, जिसको हमने अच्छे से क्रश कर लिया है। क्रश की हुई 1/2 कप डालेंगे यहाँ पर हम आइस। यहाँ पर हम व्हाइट शुगर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हमारी हेल्थ के लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि नवरात्रि में हम कभी कभी नहीं ज्यादातर मन करता है कुछ हेल्दी शेक पीने का, तो चाहे आप डेली इसको पी सकते। तो यहाँ पर हमने 1/2 कप डाल दिया है ब्राउन शुगर, यानी कि गुड़ वाली जो शक्कर होती है उसका इस्तेमाल करें तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी लगता है और वो हेल्थफुल भी रहता है। 2 ग्लास डालेंगे यहाँ पर एकदम काफी ठंडा वाला दूध, फुल क्रीम दूध लें यहाँ पर। आपका मन करे तो इसमें ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, और नहीं करता तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो लीजिए लाजवाब सा शेक बनकर तैयार हो गया, तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो जब भी आपका मन करे नवरात्रि में कभी भी इसको बना के पीजिए, बहुत ही ज्यादा हेल्थफुल है, हेल्थी है और बहुत ज्यादा टेस्टी है, कोई भी इसमें वाइट शुगर नहीं है फ्रेंड्स। तो लीजिए हमारा तैयार हो चुका है। तो कैसी लगी फ्रेंड्स को आपको ये हमारी रेसिपी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड। तो फिर से मिलते हैं नवरात्रों में एक न्यू रेसिपी के लिए, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।